आजादी के 70 साल बाद भी ग्रामीणों को नहीं मिल रही है मूलभूत सुविधाएं। केंद्र और राज्य सरकार की किसी भी योजना का नहीं मिल रहा है ग्रामीणों को लाभ। 26 जनवरी से ग्रामीण तहसील परिसर में बैठेंगे धरने पर। सीईओ वीडियो पंचायत इंस्पेक्टर कभी नहीं करते ग्रामों के दौरे, सच्चाई से कोसों दूर। बिना जनपद पंचायत से 50 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश की सीमा से लगी ग्राम पंचायत पिपरासर के ग्राम बूट में आजादी के 70 साल बाद भी ग्राम के लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। वैसे तो मध्य प्रदेश शासन तथा केंद्र सरकार की सैकड़ों योजनाएं ग्रामीणों के लिए संचालित की जा रही है, लेकिन सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक भी इन ग्राम के लोगों के लिए किसी भी योजना का लाभ नहीं दिला पाए हैं। ना तो यह ग्रामीणों को कभी इंदिरा आवास और ना ही प्रधानमंत्री आवास, ना ही स्वच्छता अभियान के तहत शौचालय भी नहीं मिला है और ना ही इस ग्राम के भूमिहीन लोगों को शासन के द्वारा जमीन के पट्टे भी नहीं मिले हैं। ग्रामीणों ने बताया कि हम लोग कई वर्षों से पंचायत सचिव, जनपद सीईओ और एसडीएम तथा जिला कलेक्टर को शिकायत कर करके थक चुके हैं, लेकिन हमारी समस्या का हल अभी तक नहीं हुआ। ना तो शासकीय कर्मचारी और ना ही स्थानीय सांसद, विधायक और जनपद अध्यक्ष में से किसी भी जनप्रतिनिधि ने हमारी समस्या के समाधान के लिए। हम लोग तहसील में कई बार जा चुके, कई बार आवेदन दिया है, सरपंच सचिव को भी बोला, वो बोले हो जाएगा। ना तो हमारे यहाँ रास्ता है निकलने के लिए, ना आवास है, ना शौचालय है, ना हमारे लोगों को कोई भी सुविधा नहीं है। वो वहाँ तहसील जाते तो वो लोग बोलते हैं हो जाता है, कि अब तो हम एक विचार बना रहे कि तहसील में 26 तारीख को अनशन पे बैठेंगे। तो अनशन कब तक करो? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। तो सभी लोग बैठे अनशन, सभी लोग बैठेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, जब तक हम हटेंगे नहीं। हमारे तो स्कूल नहीं है तो स्वीकृत होगा, पंचायत ने बनवाओ है, 181 पे शिकायत करी है, इसलिए वो बनवाओ है। अब फिर भी ऐसा बना है कि फिर भी वो टूट जाएगा। अभी एक बार टूट गया था, अब ऐसा फिर भी बनवाया कि वो टूट जाएगा। अब हम क्या करें, हमारे बच्चों जाते हैं पढ़ने के लिए तो उसको दिक्कत आती है, वो कभी भी गिर सकता है तो मर भी सकती है। कितने बच्चे जाते हैं स्कूल में? लगभग कम से कम 40-50 बच्चे हैं। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। साथ ही आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप।